दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी एस क्रॉस के बारे में। मारुति की ओर से सबसे प्रीमियम ये आपको देखने को मिलेगी जो कि नेक्सा के प्लेटफॉर्म से सेल होती है। सबसे पहले इसकी प्राइस मैं बताता हूँ, जो इसकी प्राइस है एक्स शोरूम प्राइसिंग जेटा वेरिएंट है आपके सामने। मेरे हिसाब से मेरे को तो ये सबसे वैल्यू फॉर मनी लगा। क्यों लगा सारे चीज़ आपको इसमें बताऊंगा मैं आपको। एक्स शोरूम प्राइसिंग जो इसकी मैनुअल ट्रांसमिशन में पेट्रोल वेरिएंट में ही आता है तो आपको 9,99,000 देखने को मिलेगी। बाकी नंबर मैं दे दूंगा, ऑन रोड आप यहाँ से रुद्रपुर के हिसाब से पता कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रंट फेशिया देखिए, तो फ्रंट फेशिया आपको जो है ये जो ग्रिल है इसकी पूरी जो क्रोम में सराउंडिंग में देखने को मिल रही है, लाइंस भी देखने को मिल रही है इसमें, तो ये आपको बहुत अट्रैक्ट करने वाली है। थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि कोई प्रीमियम सेगमेंट की यहाँ पे जो कार खड़ी है, थोड़ा ऐसा डिज़ाइन जो है आपको BMW की भी गाड़ियों में देखने को मिलता है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ऐसा प्रीमियम डिज़ाइन आपको एस क्रॉस में देखने को मिलेगा। ब्रेजा के बाद मारुति की ओर से सबसे सेफ गाड़ी यही मानी जाती है, जिसकी जो क्रैश अगर आपने देखा भी होगा कई आपको इसमें इसके क्रैश भी देखे होंगे, तो काफ़ी मतलब सक्सेसफुल रहती है, इतना इसमें इंजर्ड नहीं होते जो इसके अंदर बैठते हैं। तो कह सकते हैं ब्रेजा के बाद एक सबसे सेफ गाड़ी आप इसका रिव्यू देख रहे हैं, तो जेटा सबसे वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है इसका। फ्रंट में देखेंगे तो आपको जो है प्रोजेक्टर जो है हैलोजन लो बीम के लिए, हैलोजन जो है आपको इसमें हाई बीम के लिए, हाँ आपको जो है पूरा लाइटिंग सेटअप हेडलैम्प्स भी देखने को मिलेगा, आपको इंडिकेटर भी हैलोजन मिलेंगे, और जो है इसके फॉग लैम्प्स भी इस वेरिएंट में आपको जो है हैलोजन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो है क्रोम की सराउंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फ्रंट का फेशिया देखें तो स्किड प्लेट भी आपको जो है इसमें नीचे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ फ्रंट फेशिया काफ़ी अच्छा खासा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको इसमें 175 mm के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से कह सकते हैं अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस वाली आपको जो है यहाँ पे सेफ मारुति की अंडर बजट आपको यहाँ पे गाड़ी देखने को मिलती है। कॉम्पिटिटर इसके बहुत रहते हैं, ब्रेजा भी रहता है अभी तो बहुत इस सेगमेंट में, तो बहुत सारे आ गए हैं और आपको इसमें देखने को मिलते हैं। साइड में ये क्रोम जो डिज़ाइन है साइड में कुछ ज़्यादा नहीं करा गया, लेकिन जो क्रोम फ्रंट का जो इतना अट्रैक्टिव कर रहा है उतना जो है साइड में नहीं करता। तो साइड में क्या है पूरा पोर्शन आपको ब्लैक देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए जो इसमें आपको जेटा में क्या है R16 inch के जो है आपको इसमें अलॉय मशीन कट आपको जो है इसमें देखने को मिलते हैं 16 inch के है। आपको फ्रंट और रियर में जो है आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगी, ब्रेकों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक ना देके डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं। फ्रंट में जो है इसका प्रोफाइल रहेगा 215/60 R16 के जो है इसमें टायर प्रोफाइल है, और जो ORBMs आपको इंडिकेटर्स के साथ में यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर दोनों, और 48 लीटर की जो है इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी है पेट्रोल के संग आती है, और लाइटिंग सेटअप पूरा जो है हेलोजन में रहेगा। एस क्रॉस यहाँ पे लिखा हुआ, 4 पार्किंग सेंसर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, और पीछे जो है आपको इसमें कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, वाइपर डिफॉगर मिलेंगे, वॉशर भी मिलेगा इसमें आपको, हाई माउंटेन स्टॉप लैंप यहाँ पे, रूफ रेल्स भी मिलेगी, और जो है यहाँ पर वायर एंटीना भी इस तरह का देखने को मिलता है। तो रियर प्रोफाइल ऐसे ही स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है, और जो आपको जो है इसमें बूट स्पेस भी अच्छा खासा इसमें देखने को मिलेगा। जस्ट आप ओपन करते हैं इसमें, इस तरीके से जो है आप ओपन कर सकते हैं, या फिर इसमें जो की है इससे क्या है अब आपको इसे अनलॉक करना पड़ेगा, तो इस तरीके से क्या है आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक लगा होगा उसमें, मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ, फिर जाके क्या है आप इसका बूट स्पेस देखना, तो वो आप चेक करेंगे। तो बूट स्पेस आप देखेंगे तो अच्छा खासा 300+ आपको जो इसमें लीटर का देखने को मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं अच्छा खासा जो है काफ़ी वाइड सा आपको जो है इसमें बूट स्पेस देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि लगेज कैरी करने के लिए 5-seater लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें लगेज आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया गया है, यहाँ पे भी आप कुछ रख सकते हैं इसका, और नीचे जो है आप इतना बड़ा आपको स्पेयर टायर देखने को मिलता है वही R16 का स्टील रिम के साथ में, जस्ट इसको आप एडजस्ट करके यहाँ पे आपको बूट लैंप भी दी गई है, यहाँ पे आपको जो है 12 वोल्ट का सॉकेट, कुछ आपके जो है बाय चांस टायर पंचर होता है, पंचर किट लगी है, आपको फ्यूल जो है आपको इसमें एयर फिल करना है तो यहाँ से आप फिल करवा सकते हैं। पावर शेल्टर मिल जाएगी आपको इसमें। और अब इंटीरियर में चलते हैं फटाफट से, तो यहाँ पे जो है आपको सारे विंडो के कंट्रोल्स यहाँ मिल जाएंगे, ऑटो अप डाउन यहाँ पे विंडो यहाँ ड्राइवर साइड वाली हो जाती है, 4 स्पीकर मिले हैं 2 ट्विटर के साथ में मिलेंगे आपको, 2 ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ करी गई है, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल आपको ORBMs मिलेंगे, इस तरह की देखने को मिलेगी आपको, और साथ ही साथ जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा। तो यहाँ मैं इंटीरियर में बता देता हूँ क्या क्या मिलना है आपको। तो इंटीरियर में जैसे अगर आप जाएंगे तो ये चीज़ आपको जो है MID आपको जो है TFT देखने को मिलेगी, और ये आपको जो है एनालॉग देखने को मिलता है, अगर आप देखेंगे स्पीडोमीटर जो इसका जो है और ट्रिप मीटर इस तरह का देखने को मिलता है पूरा ओवरव्यू, और साथ ही साथ जो इसके अभी जो है
आपको इस तरह का जो है 7 इंच का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एप्पल कारप्ले ऑटो, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा, और टर्न बाय टर्न नेविगेशन सारा कुछ देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। बैक कैमरा अगर मैं दिखाऊं तो बैक कैमरा की विजिबिलिटी कुछ इस तरह की रहने वाली है जो कि मैंने आपको दिखाई करके, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, बाकी डैशबोर्ड पूरा आपको ब्लैकआउट इंटीरियर देखने को मिलता है इसमें, और इस तरह का रहता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, स्टेयरिंग और क्रूज कंट्रोल मिल रहा है इसमें आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल से यहाँ पे, तो मतलब ऑटोमेटिक जो है आपको इसमें हेडलैम्प्स नहीं मिलती है ना वाइपर मिलता है, वो आप उसके लिए आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जाना पड़ेगा। टिल्टेड टेलीस्कोपिक मैंने जैसे करके दिखाया आपको, इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका पूरा ओवरव्यू रहा, और इंटीरियर आपने देख लिया, डैशबोर्ड आपको कैसे देखने को मिल रहा है, तो आर्म रेस्ट भी इसमें दिया गया है, तो ये रहा इसका आर्म रेस्ट, तो ये इसका पूरा ओवरव्यू, ऑक्स यूएसबी ऑक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका इंटीरियर आपने देख लिया, ये तो बेसिक चीज़ें रहती हैं, डे नाइट आपको IRVM देखने को मिलता ही मिलता है। अब इसे ऑफ कर देते हैं, अब इसके रियर में चलें तो रियर में भी आपको स्पेस दिखा देता हूँ, आपको कितना स्पेस देखने को मिल रहा है, सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट थी पहले से ही, तो आपको जो है स्पेस आप देख सकते हैं, दो लोगों के लिए तो आराम से थाई सपोर्ट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, एडजस्टेबल आपको जो है यहाँ पे आइसोफिक्स के साथ में जो है आपको इसमें जो है एडजस्टेबल जो है हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, और ये चीज़ जो है इसका ये एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आर्म रेस्ट भी आपको रियर पैसेंजर्स के लिए दिया गया है, लेकिन रियर में एसी वेंट नहीं दिए गए हैं। तो दोस्तों यही था एस क्रॉस के ये जेटा वेरिएंट का वीडियो। इसके इंजन की भी बात कर लेते हैं, जो इसमें आपको इंजन देखने को मिलेगा स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है, जो कि सेम टू सेम आप देख चुके हैं इसके जो है आप एक्सेल 6 में और सियाज में, ये 103 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है। ये है इसका 4 सिलेंडर स्मार्ट हाइब्रिड इंजन 1.5 लीटर का आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। प्राइस मैंने बता दी 9,99,000 से इसकी एक्शोरूम प्राइस है इस वेरिएंट की। बेस लेना चाहते हैं तो 8,99,000 का आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो के साथ में।